नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुपायमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मेरे को कल पुणे में बहुत सारे डॉक्टर्स मिले और बोल रहे थे कि आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं कितना पढ़ाई करते हैं। तो अभी वो सब नवीन जोशी सर की वजह से सब हो रहे हैं। सर कृपया 16, 17, 18 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए और सर के पीछे के सब लोग बोलिए। सब राजक्षमा में जीवन त्यागि कृत चलिए पढ़ेंगे उसको। हाँ सभी लोग साथ साथ पढ़ेंगे। जीवन्ति मधुकं द्राक्षा फलानि कुटजस्य च। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही। मोनिका मैम, नेत्रा मैम, अश्विनी मैम, सर के पीछे पीछे बोलिए। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जीवन्ति मधुकं द्राक्षा फलानि कुटजस्य च। पुष्करहं सटी कृष्णा व्याघ्री गोक्षुरकं बलाम्। नीलोत्पलं ताम्लकी त्रायमाणां दुरालभाम्। कल्कीकृत्य घृतं पक्वं रोगराजहरं परम्। घृतं खर्जूरमुद्विगा मधुकैः सर्परूषकैः। सपिप्पलिकं वैश्वर्यका सश्वासज्वरापहम्। यहाँ पे जीवंत क्या अधिकृत, जीवंती मुलेठी द्राक्षा इंद्रिय पुष्कर मूल कचूर पिपली कटेरी घोकरू बला नीलकमल भूई आंवला त्रायमाण धमासा के कल्प से चौगुने जल में सिद्ध घृत यक्ष्मा रोग नाशक। खजूर द्राक्षा मुलेठी फालसा के कल्प से चौगुने जल में सिद्ध घृत पिपली चूर्ण के साथ लेने पर स्वर भंग का श्वास और ज्वर नाशक है। जी भाई जी, मुझे इतना खुशी हुआ पवन जी आ गए। पवन जी को मैं मिस कर रहा था। ठीक है, इसमें आया है कि जीवंती मुलेठी द्राक्षा इंद्र ये सब जितने भी द्रव्य है ना ये सब यक्ष्मा के लिए इतना बढ़िया द्रव्य है। मुलेठी है, इंद्र द्राक्षा कचूर पिपली कटेरी ये सब घृत सिद्ध करके नील कमल भूई आमलकी त्रायमणा सब लाइफ सेविंग ड्रग्स है।
उसी तरह से खजूर द्राक्षा मुलेठी फालसा के कल को चौगुने के जल में सिद्ध करके पिपली चूर्ण के साथ देने पे स्वर भंग श्वास कास ज्वर का नाश है, और कफ को भी निकालता है और फिर वहां पे हीलिंग भी करता है, इतना बढ़िया है। पवन जी आप आए तो मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है। सर मैंने तो पहले ही बोला था सर को, वो कल वो नहीं हो पा रहा था। क्या नहीं हो पा रहा था? कल वो मेरा नहीं हो पा रहा था उसमें ज्वाइन, तो फिर मैंने सर को बोला था, अभी ज्वाइन किया सर ने। हाँ तो सर आप ये पढ़ दीजिए ना, जीवन त्या दिन कल की कृत्य, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सर? पवन जी क्या आप बाहर हैं? सर नहीं बाहर हूँ सर, ऊपर वो दिखता नहीं है, बुक से ठीक तो है, ठीक। दिखेगा सर। तो वंदना मैम आप पढ़ेंगी टीका या कोई भी पढ़ सकता है? जी हाँ पढ़ देते। जीवन जीवन त्यादीन कल की कृत घृत चतुर गुणे चले पक रोग राज हरम परम। जी, इसका मतलब है कि जीवंती आदि बस को लेना है, इतने पढ़ के बता। हाँ, उसका कल्क लेके और चार गुना पानी लेके फिर घृत डाल के उसको सिद्ध करना है, तो इसको जले पकवम मतलब इसको पका दिया ना तो रोग राज हरम परम, ये रोग राज मतलब राज्यक्षमा में सर्वश्रेष्ठ है। फिर उसके बाद में घृतांतर माह पढ़िए। घृतांतर महा जीवंती मिति। हाँ ये बता रहे हैं कि जीवंती मिति से एक अलग तरह का घी कल्पना बताया है। 18 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे जी। 18 नंबर जी, इसको कल्क ले लिया, जैसे सपोज 100 ग्राम द्रव्य ले लिया और उसको पानी में भिगो दिया, तो कल्क हो गया वो रेडी। चार गुना पानी में, हाँ कल्क लेके चार गुना पानी में डाल के फिर घृत डाल के फिर सिद्ध कर दिया, पानी उड़ा दिया बॉईल कर करके मंद अग्नि और में। उतना ही घृत डाल दिया। हाँ क्यों, मुझे जीवंत्यादि घृत मिला नहीं था, जो एक बार आपसे मतलब शायद डिस्कस भी किया था, मैंने बताया था, तो ये जीवंत्यादि घृत हंसपति पानक ये सब देखे और उसको मुंह में थोड़ी कवल धारण करवाया था, तो जो पेशेंट बोल नहीं पा रहा था उसके आघातजन संप्राप्ति थी, ऊपर से गिरा था तो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व पैरालिसिस थी, तो वो कुछ गुटक भी नहीं पा रहा था और उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिला था, उसमें से मैंने एक जीवंत आदि कृत भी दिया था जी। बहुत अच्छा बताया, वाह डॉक्टर सुभाष भार्गव जी भी आ गए, ये बहुत हमारे पुराने डॉक्टर हैं, शायद 1 साल के बाद आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रहा है जी। ये 19 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज, 1920 कोई पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग श्लोक पढ़ेंगे, कौन पढ़ना चाहेगा? पवन जी आप पढ़ेंगे, सरोज जी कोई तो पढ़िए, और ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि रीडिंग कर रहे हैं उसको ऐसे ट्यून देके। प्रणाम सर। हाँ जी सुभाष जी कैसे हैं सर? बस बढ़िया हूँ सर, आशीर्वाद से। आप 1 साल के बाद आए, नाराज थे क्या हमसे? अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आपसे नाराज नहीं, आप लोग हमें भूल जाते हैं लेकिन हमें याद रहते हैं, आप आते ही याद आ जाता है कि अच्छा सुभाष जी भी थे। सर मैं तो आपको हमेशा याद रखता हूँ। जी ठीक है सर, आप पढ़ेंगे ये 1920 नंबर का श्लोक आपके? हाँ पढ़ता हूँ ना सर। हाँ दशमूल श्रुताक्षी रात सर्पी दूधी यानवम क्षुद्रम तत्परम स्वरबोधनम बोलिए सिर पार्शो ससूलग। रुकिए रुकिए सुभाष जी रुकिए, पीछे कोई बोल रहे हैं ना, उनका भी सुनिए। हाँ केवल पवन जी बोलेंगे क्या, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं? सुलग्नम काश श्वास ज्वरापहम् पञ्चभिः पञ्चमूलैर्वा प्रसाद्य दुधियाद्धृतम्।
पंच भी जी, इसका हिंदी में पढ़ दीजिए। आपने जो पढ़ा ना तीसरे लाइन में, शिरा पार्श्वांश है, अंश शूलग्नम। अंश शूल क्या होता है? स्कैपुला का जो पेन होता है उसमें। दशमूल से सिद्ध किए दूध से निकाला हुआ ताजा मक्खन, पिपली और मधु के साथ लेना स्वर को खोलने में उत्तम है, तथा शिरा पार्श और अंश के शूल को नष्ट करता है। काश श्वास ज्वर का नाशक है, अथवा पांच पंचमूलों से सिद्ध किए दूध से निकाला मक्खन भी यही गुण करता है। जी कितना बढ़िया है, इसमें दशमूल से सिद्ध किया हुआ दूध है, उसको दूध से फिर मक्खन बनाना है, मक्खन बना के पिपली और मधु के साथ लेना है, ये स्वर को खोलने में उत्तम है। आप लोगों ने कल वो सुना था, सुप्रिया सुले जी भी मराठी में बोल रही थी संसद में कि हम लोग दूध से घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं, तो GST तो सब पे लग गया। वो अपने मराठी में बोल रही थी, ऐसे तंज कस रही थी, लेकिन ये जो बताया ना सुप्रिया जी को बताना पड़ेगा, वो शरद पवार की बेटी जी है ना, बेटी, उनको ये बताना पड़ेगा कि हम आयुर्वेद में देखिए आप लोग केवल नॉर्मल मक्खन वगैरह बनाते हैं, हम लोग दशमूल से सिद्ध किया हुआ दूध से फिर मक्खन बना के फिर उसको पिपली और मधु साथ लेते हैं, ये आयुर्वेद है, कितना बढ़िया है ये। ठीक है, और पंचमूल से सिद्ध किया हुआ दूध से निकाला मक्खन भी यही गुण करता है, ये बता रहे हैं। तो अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे 1920। ये 18 का भी रह गया था टीका पढ़ना, कोई पढ़िए प्लीज टीका। सुभाष जी आपको कैसा लगा संस्कृत पढ़ के? ये हमारी परंपरा है, ऋषि मुनि लोग की परंपरा है कि संस्कृत पढ़ना चाहिए रोज सुबह सुबह। जी जी बिल्कुल सर, हाँ बहुत बढ़िया लगा। आप पढ़िए ना ये टीका, पढ़िए ना 18 नंबर का जो श्लोक है उसका टीका पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। ये संस्कृत से ना? हाँ। दशमूल पथितात क्षीरात, ऊपर वाला, ऊपर वाला कल्कि कृत्य, दशमूल कल्कि कृत्य। हाँ कल्कि कृत्य पक्व मित्यनुवर्तते, खर्जुरादि भी कल्कि कृत्य, घृत पक्वम पिपली चूर्णेन युक्त वैश्वर्यादि हरम। जी इसका मतलब है कि कल्क से यहाँ पे घृत कल्पना बताइए कि पका के ये अनुवर्तन करना है, संस्कार हुई गुणा अंतराधानम, ये संस्कार करना है घृत को, ये बता दिया। खर्जुरादि भी कल्कि कृत्य, खजुरादि लेके, खजूर हो गया, मृदिका हो गया, यष्टिमध हो गया, परुषक हो गया, पिपली हो गया, कल्क से घृत को पका के, और या फिर पिपली चूर्ण नियुक्त, पिपली चूर्ण प्रक्षेप में डाल के इसका प्रयोग किया तो वैश्वर्य काश श्वास ज्वर इन सबको ये दूर कर देता है। अब ये पढ़िए आयुर्वेद रसायन। अन्य दाह घृत मिति खर्जुरादि क्वाथेन पिपली कल्केन। हाँ इसका मतलब है कि अब लोग बोलेंगे अन्य दाह है, अन्य दाह नहीं है, अन्यत आह, अन्यत आह मतलब मिति से मतलब है कि अलग तरह का एक कल्पना बताइए, अन्यत मतलब अन्य टाइप का एक कल्पना बताइए। खर्जुरादि क्वाथेन पिपली कल्केन, खर्जुरादि क्वाथ में पिपली कल्क डाल के और एक घृत सिद्ध करके बनाना है। जी डॉक्टर सुभाष भार्गव जी आपका थैंक यू, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सबको बताइए थोड़ा सर। मैं देवास में हूँ सर, देवास मध्य प्रदेश में। जी थैंक यू सर, ज्यादातर लोग आपको नहीं पहचानते हैं लेकिन मैं आपको पिछले साल से पहचानता हूँ। हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम 19 और 20 नंबर का टीका पढ़ेंगे, कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकता है, प्रशांत भट्ट जी, शशि मैम, कोई भी पढ़िए। आशा गुप्ता जी आप पढ़ेंगे? मैम आप पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ अर्थ। 19 वाला, उसका 1920 के नीचे जो सर्वांग सुंदर टीका है संस्कृत में वो पढ़िए। ये दशमूल वाला ना सर? हाँ हाँ हाँ। दशमूल श्रताक्षीर सर्पी पियो दुद्धिर्यात्रवम सपिपल्लिकम क्षौत्रम तत्परम स्वरबोधनम।
शिरः पार्श्वशूलघ्नम् कासश्वासज्वरापहम् पञ्चभिः पञ्चमूलैर्वा श्रुताद्य दुधिया धृतम्। इसके बाद अब टीका पढ़िए। दशमूल कथित्वात् क्षीरात् सर्पी रुदिध्यात् उद्गच्छेत् तत्यग्र पिपली क्षौत्रान्वितं मतिशयेन खरबोधन स्वरबोधन अच्छा स्वरबोधन सॉरी शिर पार्श्वशूलघ्नम् कासातिहरम् अथवा पंचभिः पंचमूलैः श्रुता तत् क्षीरात् युद्भवेत् धृतम् तत् पूर्वगुणम्। आपको कैसा लगा पढ़ के? अच्छा लगा। इसमें है कि दश मूल के क्वाथ में दश मूल क्वथितात् इसमें ये कौन सी पंचमी विभक्ति है दश मूल क्वथितात् क्षीरात् सर्पी रुदध्यात् मतलब उसमें दूध दशमूल के क्वाथ से फिर उसके बाद में दूध में उसको सिद्ध करके फिर उसका मक्खन निकाल के फिर सर्पी बनाने घृत सिद्ध करके उद्गच्छेत जब हम ये बनाते हैं तत् प्रत्यग्र पिपली शोद्रान्वितम अतिशयन फिर पिपली और मधु ढल के इसका सेवन करते हैं तो इसका अतिशय रूप में स्वर बोधन मतलब किसी की आवाज बैठ गई गले में प्रॉब्लम है। शिर पार्श्वांश शूलग्नम पार्श्व अंश शूलग्नम सिर में पार्श्व में रिप्स में पेन हो रहा है अंश शूलग्नम मतलब स्कैपुलर रीजन में पेन हो रहा है कासादि हरम कास और श्वास और ज्वर इन सब में बहुत अच्छा काम करता है अथवा पंचभी पंचमूलै शीतात् क्षीरात् यदुद् भवेत् घृत तत्पूर्व गुणम फिर पंचमूल का प्रयोग कर दें और उसका क्षित मतलब काढ़ा काढ़ा बना के दूध बनाना है शीतात् शीतात् क्षीरात् पंचमी है उसमें करके यदुद्भवेत उससे फिर हम घृत को सिद्ध करते हैं तो ये पूर्व गुण जो पहले वाला बताया था उसी तरह से काश श्वास ज्वर इन सबको ये दूर कर देता है। अब ये आयुर्वेद रसायन कौन पढ़ेगा? एक ही लाइन है कोई भी पढ़ सकते हैं एक लाइन कंप्लीट कर दीजिए श्वेता मैम या आशा मैम। सर मैं पढ़ू? हाँ पढ़िए। अन्यतः दशमूल शतादिति नव प्रत्यह कृतम जी इसका मतलब है कि अन्यतः दशमूल शतादिति से एक अलग तरह की कल्पना बताई है नव प्रत्यह कृतम ये नया बनाने के लिए बोले ये शायद हमने कंप्लीट कर लिया था मुझे ये मैंने पढ़ा है मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है 21 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। कोई बात नहीं रिवीजन होता है अगर पढ़ भी लिया था तो इसमें वक्तव्य बताए हैं ये 21 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ सर। पंचानाम पंचमूलानाम रसे अक्षीर चतुर्गुणे सिद्ध्यम सर्पी जेत तद अक्षण अक्षमण सप्तकम बलम जी उक्त पांच मूल जो पहले पांच मूलों के द्रव्य के क्वाथ रस जो हमें बताए हैं इन्हीं द्रव्यों के कल्क तथा घी से चौगने दूध में पकाकर तैयार किया गया घी यक्ष्मा के सात बलों को मतलब सात उपद्रवों को नष्ट करता है जी। हाँ यहाँ जो सात उपद्रव है जो यक्ष्मा के उनको नष्ट करता है सात उपद्रव मतलब पीने साली जाते हैं पीने श्वास का स्वर भेद ये सब ज्वर ये सब को ठीक करता है। पांच मूल के क्वाथ में के साथ चार गुना दूध मिलाकर शीर्पाक करना है और उससे फिर घृत सिद्ध करना है तो ये सबको ठीक करता है ऐसा बता रहे हैं। 21 नंबर का जो श्लोक है इसका हम लोग टीका पढ़ेंगे जी कौन पढ़ेगा? वर्षा मैम आप पढ़ेंगी? जी सर जी। पंचानाम पंचमूलाना रसे शीर चतुर्गुणे पक्वमेत श्लक्ष्मण पक्वमेतद यक्ष्मणम मेतद पक्वमेतत् श्लक्ष्मणम् श्लक्ष्मण यक्ष्मण यक्ष्मण बोलिए यक्ष्मण यस सर यक्ष्मण सप्तक बल पीनसादिक एतद् धृतम् जयेत
जी एतत घृतम जयत। हाँ पंचानाम पंचमूलानाम, पांच जो ये हमारे मूल हैं ये सब षष्ठी बहुवचन है ना, पंचानाम रसे, इनके रस से शीर चतुर्गुणे चार गुणा दूध लेके पक्व मेतद इनका हमने सिद्ध घृत बनाया, तो ये यक्ष्मण यक्ष्मा के जो सात जो उपद्रव युक्त उपद्रव है पीनस आदि उसमें ये घृत से उसमें फायदा होता है ऐसा बता रहे। आपने कितना शुद्ध उच्चारण किया वर्षा जी, प्राउड ऑफ यू। यहाँ पे पढ़िए आयुर्वेद रसायन जो लिखा है, अन्य दाह, अन्य दाह पंच भी पंच मूलैर वेति रस क्षीर योगश चतुर्गुण चतुर्गुणत्व मिलितयो परिभाषया प्राप्तत्वात्। हाँ पंच भी पंच मूलैर वेति जो है ये इसका समरी क्या है कि अन्य दाह एक अलग कल्पना बताइए, रस क्षीर यो चतुर्गुणत्व मिलितयो मतलब जो हम पंचमूल का जो रस ले रहे हैं उसको दूध में पका के और चार गुणा डाल के जब हम बना के इससे परिभाषा प्राप्त होता है, इससे परिभाषा से ये समझ आ रहा है कि इससे सिद्ध घृत बना लेते हैं तो इससे पीने आदि के जो सात उपद्रव है उसमें फायदा होता है। 22-23 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा, एक मिनट में लेके आ रहा हूं। षटपल घृत ये बहुत फेमस है, 22 नंबर का श्लोक नीचे सबसे है, त्रोतस शोधक और गुलमादी और षटपल घृत गुल्म में भी। हाँ पढ़िए। श्रोता शोधक तथा गुलमादी हर षटपल घृत पंच कोल यव शार षटपलेन पचेद घृतम प्रस्थोन्मितम तुल्यपयः श्रोतसाम तद्वित शोधनम। जी एक मिनट रुकिए। हाँ 23 वाला पढ़िए। सर नहीं दिख रहा अभी, क्यों इस साइड है ना 23। जी अभी आप दिख रहे हैं। गुल्म ज्वरो ज्वर उदर प्लीह ग्रहणी पांडु पीनसान श्वास कास अग्नि सदन शवथु ऊर्ध्वानिल ऊर्ध्वानिला खेद ऊर्ध्वानिला द्वेद निलान जयत। क्लियर नहीं दिख रहा सर। हाँ हिंदी पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। आपने क्या समझा आपको षटपल घृत है ये जी? हाँ। तो जो भी इसमें द्रव्य लिए वो छह छह पल की मात्रा में लिए गए, एक एक पल की मात्रा में छह द्रव्य लिए, छह द्रव्य जी जी। पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक सोंठ यवक्षार प्रत्येक एक पल घृत एक प्रस्थ दूध एक प्रस्थ लेकर घृत पाक करें, यह घृत श्रोतों का शोधक है। गुल्म ज्वर उदर प्लीहा ग्रहणी पांडु पीनस श्वास कास अग्निमांद शवथ और ऊर्ध्ववात को शांत करता है। वक्तव्य घृत से चौगुना पानी मिलाना चाहिए, जल के बिना पूर्ण रस नहीं आता। यह घृत अग्निमांद ग्रहणी श्वास और कास में उत्तम है। जी आप एक बार बोलिए श्रोतों का शोधक है ये पढ़िए। श्रोतों का किसका सर? हाँ पढ़िए पढ़िए बोलिए बोलिए। कहाँ लिखा है? यह घृत स्रोतों का शोधक है ऐसे बोलिए। हाँ यह घृत स्रोतों का शोधक है। आप शोधक बोली थी और शांत को शांत बोली थी, ऊर्ध्वाध को शांत करते हैं। श बोलिए श। शा आप कहीं कहीं स साइलेंट बोल रही थी, ऐसे श को स बोल रही थी। अच्छा आप समझाइए आपको क्या समझा सर? इसमें जो छह ये द्रव्य है पिपली पिपली मूल चव चित्रक और शुंठी यवक्षार इनको एक एक पल ले करके और उसके बाद एक प्रस्थ मतलब 64 तुला घृत लेना है, फिर एक प्रस्थ दूध लेना है और उसका पाक करना है। तो ये कैसे काम कैसे करता होगा आपको क्या लगता है सर? ये बोला है तो शोधन करता है, तो आपको क्या लगता है ये क्या कैसे काम करता होगा सर? इसमें ये पिपली पिपली मूल वगैरह जो है तो ये षडंग पानी के ही कंटेंट है, तो ये षडंग पानी पंचकोल के पंचकोल बोल देते हैं इसको। हाँ और इसमें एक साथ का काम करेगा। तो ये कैसे काम करेगा पवन जी आप बताइए क्या करता है ये कैसे करता है? ये कफनाशक द्रव्य है सारे पिपली जितने पिपली पिपला मूल द्रव्य और ये अक्षार है जो इसमें डाला है, तो इसमें ये लेखन का काम करेगा सारा, जितना बलगम वगैरह सारा तोड़ के बाहर निकाल देगा और ये जितने भी
सर उष्ण तीक्ष्ण है तो आम का पचन भी करेगा, दीपन पाचन होने से। ये मार्केट में मिलता है मालूम है, बहुत फेमस ये ड्रग है, सब जगह मिलता है। सर मैं बताऊं? हाँ आप बताइए अच्छे से, मैं वही सोच रहा था आप बताएंगे। जी इसमें होता क्या है कि जहाँ पे भी मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति बनती है वहां पे पृथ्वी और आप महाभूत की प्रधानता रहती है जी। तो जहाँ पे पृथ्वी और आप महाभूत की प्रधानता है वहां पे हमको आकाश और वायु गुण प्रधान द्रव्यों का चयन करना होता है। तो यहाँ पे जो पिपली और पिपली मूल चव्य चित्रक सुंठी वगैरह वाले द्रव्य है इनमें ज्यादातर दवों का जो रस है वो कटु रस, पिपली जैसे कटु रस हो गया, सोंठ काली मिर्च पिपली वगैरह ये त्रिकटु में आते ही हैं तो कटुरस प्रधान द्रव्य हैं। तो इनका जो पांच भौतिक संगठन बनता है कटुरस का, कटुरस में एक तो अग्नि तो रहती ही रहती है, वायु रहती है, वायु और अग्नि का उसमें सामंजस्य रहता है कटुरस में। तो ये वायु और अग्नि वाले जो द्रव्य हैं वो पृथ्वी और आप महाभूत के अगेंस्ट काम करके इसका मार्गावरोध खोल देते हैं। ये है सर मेरा जो अप्रोच है, बाकी आप पचा देते हैं पूरा। जी सर थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बताए। तो इसमें देखिए ये षटफल घृत है, गुल्म में भी बताए, गुल्म में सबसे पहले यहाँ लिखा है ज्वर रोग में उदर जीर्ण ज्वर जो पुराना ज्वर हो जाता है उसमें ये स्नेहन भी करेगा, आम का पचन, जो लीन दोष है अंदर बहुत ज्यादा घुसे हुए दोष है लीन दोष, फिर उदर रोग में भी देने के लिए बोला है जैसे वातोदर वगैरह में, जलोदर में तो नहीं दे सकते हैं लेकिन बातों और नहीं जलोदर में भी दे सकते हैं, जब पानी निकलने लगता है स्त्रोत्र ठीक होने लगता है तब दे सकते हैं। फिर प्लीहा रोग में, स्प्लीनोमेगाली में, ग्रहणी रोग में तो सबसे अच्छा मैंने तो इतना यूज किया, इतना यूज किया कि क्या बताएं। फिर पांडु रोग में भी बोल रहे हैं, फिर पीनस में, पीनस जो कल वो मैम बोल रही थी ना कोई केस लाई थी जिसमें क्रॉनिक साइनोसाइटिस था तो क्या करना है, तो ये षटफल घृत अच्छा है। श्वास में, कास में, अग्निमंदता, शवथु में और ऊर्ध्ववात जिसको ऊपर से ढकार बार बार आती है, बार बार बर्फ चाहते रहते हैं उसमें शांत करता है। और वक्तव्य में बोल रहा है घृत से चौगुना पानी मिलाना चाहिए, जल के बिना पूर्ण रस नहीं आता है, इसलिए पानी डाल के ही क्वाथ बना के फिर घृत बनाना है। ये घृत अग्निमान्द्य ग्रहणी और श्वास कास में उत्तम है। जी कैसे किस तरह देते हैं आप और मतलब पूरी मात्रा बताइए? पेशेंट के हिसाब से एक एक चम्मच दो दो चम्मच देते हैं, बहुत ज्यादा दीपन पाचन करता है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास जब भी पेशेंट ऐसे आते हैं जो घृत लेना चाहते हैं, मतलब कुछ पेशेंट तो घी से दूर भागते हैं, कुछ पेशेंट ले लेते हैं, तो उनको बोलना पड़ता है हमें कि आपको ना जैसे कि कुछ कुछ ऐसे बीमारियां होती है जैसे गुल्म व्याधि है वो कैसे वात की बीमारी है, जीर्ण ज्वर है उसमें तेज रुक्ष ये रुक्षता भी रहती है और तेज भी रहता है बहुत ज्यादा, और लीन दोष रहते हैं जीर्ण ज्वर में, प्लीहा रोग में भी ऐसे ही रहता है कि स्प्लीनो में गली होती है वहां पे आम बहुत रहता है और स्त्रोत्रोजन्य संप्राप्ति रहती है प्लीहा में, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है, स्नेहन करते जाता है ना और दीपन पाचन करते जाता है। तो किसी किसी पेशेंट को चार चार चम्मच देना पड़ता है क्योंकि ये दीपनीय घृत ही है, इसमें हमें ये जरूरत नहीं पड़ता कि आम पाचन करें, ये दीपन पाचन ही करता है। किसी किसी को चार चार चम्मच, किसी को दो दो चम्मच, किसी को एक एक चम्मच देना पड़ता है भोजन के पूर्व या उष्णोदक के साथ। अगर हमें हम अपान वायु पे काम करना चाहते हैं तो खाने के पहले, अगर रसायन का काम करना है तो सुबह हम रसायन काल में देते हैं, सूर्योदय के पहले देते हैं, अगर हमें व्यान और उदान पे काम करना है तो खाने के बाद देते हैं, अगर पीनस जैसी व्याधि है तो उसमें रात में देते हैं निशा काल में। सर इसमें ना सारे दीपों में अग्नि पे काम करने वाले द्रव्य है तो ये गुल्म में तो बहुत जबरदस्त काम करेगा क्योंकि हाँ। वात का भी उसमें शमन करेगा और सारा अवरोध जन्य संप्राप्ति भी तोड़ देगा वहां से जी। तो मार्केट में किस नाम से ये षटफल घृत आता है? ऐसा इंडिया में कोई कंपनी नहीं है जो नहीं बनाती है, जो घी बनाने वाली कंपनी है सब बनाती है, षटफल घृत करके आता है। अभी आप गूगल में सर्च करिए आपके मोबाइल से और देखिए षटफल घृत सब लोग बनाते हैं। पंचकोल आदि घृत भी बोल सकते हैं क्योंकि पंचकोल के सारे द्रव्य। हाँ लेकिन यवक्षर ऐड कर दिया ना एक एक पल, ये एक एक पल द्रव्य। डॉक्टर आशा टंडेल मैम आपने यूज किया है क्या षटफल घृत? आशा टंडेल मैम है क्या अभी? आशा मैम नहीं है। अवे जी किन में नहीं देना है ये बता। ये ऐसा कहीं नहीं, जहाँ पे पित्त की संप्राप्ति बहुत ज्यादा होती है उसमें नहीं देते हैं,
जहाँ पे बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे नहीं देते हैं, बाकी सबको देते हैं ये ज्यादातर। अग्निमंद में तो दे सकते हैं ना सर इसको, अग्निमंद में डायरेक्ट दे सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है कि हिंगवाष्टा और लक्षणा दे दें, डायरेक्ट देते हैं हम ये, स्नेहन करते जाते हैं। और जैसे अम्ल पित्त वगैरह इसमें नहीं देना चाहिए, अम्ल पित्त में भी देना है हमें। अच्छा दे सकते हैं हाँ, लेकिन वो द्रव गुण से बड़ा हुआ है जो अम्ल धर्मी है उसमें दे सकते हैं, लेकिन जो क्षार धर्मी है उसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उष्णता तीक्ष्ण, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण पहले से बड़ा है और आप देंगे ये पूर्व दाह हो रहा है उसमें, आप ये देखें तो और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। उद्गारों में भी जहाँ वायु का ज्यादा एकदम से वो हो जाता है वहां पे भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसमें घृत भी है और ये सारे दीपन पाचन वाले उद्गार, उद्गार हिचकी में अच्छा काम करेगा, हर चीज में करेगा। बस ये है कि जहाँ बर्निंग वाला एसिडिटी हो रहा है बहुत ज्यादा, हार्ट बर्न, वहां पे ये नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा हीट करेगा। किसी ने यूज किया क्या? श्वेता मैम, वर्षा मैम, अश्विनी मैम, सरोज मिश्रा जी, किसी ने यूज किया है तो बताइए। आकांक्षा मैम आपने यूज किया होगा, आकांक्षा मैम खाना बना रही है सर। प्रणाम सर, सर ये षटफल घृत तो नहीं यूज किया लेकिन पंचकोल चूर्ण को घृत के साथ जरूर यूज किया, और ये तो हमारे एमडी एंट्रेंस में भी बहुत बार पूछा जाता है षटफल घृत करने। ठीक है, कोई किरण जी है आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ये तो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी टीका पढ़ेंगे। ये 22-23 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका, एक मिनट रुके मैं इसको बड़ा करता हूँ। आज मोनिका मैम टीका पढ़ेंगी क्या? एक मिनट रुके मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। जिस तरह से सूर्य उगता है रोज, वैसे मोनिका मैम जरूर आती हैं नियम से, रोज पढ़ती हैं टीका। 22-23 नंबर का श्लोक पढ़िए, इसके टीका पढ़िए प्लीज। जी सर। पंचकोलादि नाम षटकलेन कल्केन घृतप्रस्थ तुत्थ क्षीर पचेत। तुल्य क्षीर पचेत। तुल्य क्षीर पचेत। जी सर। जी, इसमें बोले पंचकोल आदि लेना है, पंचकोल मतलब पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी और यवक्षार लेना है, ये एक एक पल के मात्रा में ले लिया तो षटपलेन कल्केन, इनका कल्प लेना है, तृतीय एक वचन है, षटपलेन कल्केन घृत प्रस, एक प्रस घृ लेना है, उतना ही दूध डालना है, दूध इसलिए डाल रहे हैं कि उसकी सौम्यता हो, वो ज्यादा ये मतलब हीट ना पैदा करे, इसलिए दूध डाल रहे हाँ, इसीलिए जो द्रव्य गुण से बड़ा हुआ अम्ल पित्त है उसमें भी ये काम करते हैं, क्योंकि दूध और घी डाला हुआ है तो इसका प्रयोग करते हैं। आगे पढ़िए। तत्स्रोतसाम विशोधन स्यात्। तत् स्त्रोतसा, इससे स्त्रोतस विशोधनम स्यात्, शुद्धि हो जाती है स्त्रोतसों की। अत्र चानुक्तमपि जल स्नेह चतुर्गुण चतुर्गुण त्रिगुण वादेय पूर्वोक्तम न्यायात्। इसमें बोल रहे हैं कि कभी कभी यहाँ पे अनुक्त है मतलब कहानी है, लेकिन हम लोग पानी जो है वो स्नेह का चार गुणा लेते हैं या तीन गुण भी लेके और उसको बनाते हैं, उस पूर्व न्याय से करके हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तथा गुल्मादीन जये, हाँ ये गुल्म आदि को भी ठीक करते हैं, तो गुल्म ज्वर उदर प्लीहा रोग ग्रहणी रोग पांडु रोग पीनस रोग श्वास रोग कास रोग अग्निमंदता शवतु ऊर्ध्वात, इन सब में अच्छा काम करता है। आयुर्वेद रसायन शक्कल घृतवाहा पंचकोलेति, पंचकोलेति से इन्होंने बोल रहे हैं कि षटफल घृत उसके बारे में बताया, ये समरी है। शन्ना पलानी कल्की कृतानाम पश्चात कल्की करने कल्पाधिक्यात। हाँ, इसका मतलब यह है कि छह पल के मात्रा में सभी लेना है इनका कल्क बना के, फिर पश्चात कल्की करने कल्पाधिक्यात, इसमें कल्क रहना चाहिए ये मेन बता रहे हैं, एक एक पल ले लिया ना तो इसका कल्क होना चाहिए, उसका कल्क ही आधिक्य रहना चाहिए। द्रव चातुर्गुण्य जलेन पूर्णियम जल विना मुक्त रस भावात्। मुक्त रसत्व अभावत मतलब द्रव को जितना द्रव्य लिया हमने उसको चार गुना पानी में डाल के फिर इसको पकाना है, बिना पानी के उसका जो रस है सारे पंचकोल और यवक्षार इनका रस नहीं आएगा, तो पूरा उसका पोटेंसी बनाने पावरफुल बनाने पोटेंट ड्रग बनाने के लिए हमें पानी में ही करना है,
डायरेक्ट घी में और दूध में नहीं पकाना है, ऐसे बोल रहे हैं जी। डॉक्टर अश्विनी जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर ये जो आंवला पित्त में पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़े है या द्रव गुण बढ़े है, इसका सिम्टम्स? अभी देखिए वो अभी सरोज मिश्रा जी भी बता रहे थे, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। इसमें क्या होता है कि पित्त का जो उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ता है, जब जब क्षार धर्म्यता बढ़ती है तो क्या होता है कि उसमें हार्ट बर्न होता है, बहुत जलन होती है बहुत ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण गुण से, तो वो अलग तरह का संप्राप्ति बनता है ना। और एक द्रव गुण से अगर बढ़ गया, डायल्यूट फॉर्म में अगर हो गया तो उसमें हुरलास होगा, मतलब नौशिया फीलिंग होगा, उल्टी आ जाएगा, वो होता है अम्ल धर्मी अम्ल पित्त, जिसमें पृथ्वी और आपका ज्यादा रहता है। तो जैसे कि किसी ने क्या किया, बहुत ज्यादा फ्रिज का पानी पी लिया, आइसक्रीम बहुत ज्यादा खा लिया, तो उसको ना एक दिन मेरे क्लास में एक एमडी क्लासमेट थी, उसने क्या किया कि 1 किलो आइसक्रीम खा लिया एक दिन, और नेक्स्ट डे उसको इतना पित्त हुआ कि उसने उल्टी किया। या फिर बहुत सारे ऐसे क्लासमेट्स मिले मेरे जो शराब पीते थे, इतना शराब पीते थे कि उनको स्टेशन पे ये होने लगा, उल्टी होने लगा, तो वो किसी द्रव गुण से बढ़ा हुआ है अम्ल पित्त। और नॉर्मली जो लोग रहते हैं रात्रि जागरण कर लेते हैं, एग्जाम में बच्चे लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बीएमएस के स्टूडेंट्स भी बहुत पढ़ाई करते हैं, चाय पीते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, खाना पीना पचता नहीं है, टेंशन बहुत रहती है, तो उरोदाह बहुत होता है, जलन होती है बहुत ज्यादा, कंठदाह, उरोदाह, मुंह में छाले पड़ना, ये सब कैसे क्षार धर्म में। बराबर है ना सरोज मिश्रा जी? मिश्रा जी, सरोज मिश्रा जी बराबर बोल रहा हूँ ना? शायद मिश्रा जी अभी जी सर जी ठीक बोल रहे हैं सर अब। हाँ तो उसमें जो है ना ये जो उरोदाह वगैरह है ना उसमें षटफल घृत नहीं देना चाहिए। जी जी जी, जहाँ पे उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा होगा वहां पे हम घृत का इंडिकेशन इसलिए करेंगे कि हम उष्णता तीक्ष्णता को पित्त की द्रवता बढ़ा के कम कर सकते हैं, तो वहां पे हमारा घृत काम आएगा। और जहाँ पे ऑलरेडी द्रवता अम्ल और द्रव गुण की वजह से बढ़ी है तो वहां पे ये देने से ये नुकसान करेगा। नहीं मुझे ये कहना है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा जलन हो रही है वहां पे ये घृत क्यों देंगे हम? शतावरी घृत देंगे ना? मैं ये हाँ शतावरी घृत, जी 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 शतावरी घृत। और जहाँ द्रव गुण से बड़ा हुआ है वहां हम दीपन पाचन के लिए दे सकते हैं उल्टी होने के बाद। हाँ जी ठीक है ठीक है सर जी, आपको समझ आएगा? आया सर, द्रव गुण बड़ा है तो बेल्चिंग ये खट्टा मुंह में खट्टा पानी आता है बहुत ज्यादा आएगा, तो वेट करा के फिर दीपन पाचन के लिए दे सकते हैं पित्त को कम कर, मतलब आम पाचन करने के लिए दे सकते हैं, देंगे ही नहीं ऐसा नहीं है, दे सकते हैं अग्नि मंदता को ठीक करने के लिए दे सकते हैं। और दूसरा बात है कि जहां पे अभी किसी को बहुत हाइपर एसिडिटी होती है तो उंगली डाल के पित्त निकाल दिया तो उसको थोड़ा रिलैक्स हो जाता है बहुत ज्यादा पित्त निकलने के बाद, लेकिन अग्नि मंदता तो रहती है, अग्नि मंदता को ध्यान में रख के दे सकते हैं इसको। ठीक है सर। और उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है तो इसको तो देना नहीं है, जो उरोदाह हो रहा है, कंठदाह हो रहा है, सब जगह दाह हो रहा है, तो वहां पे शतावरी घृत जैसे मधुर रसात्मक द्रव्य देते हैं या दाढ़ी मादी घृत देते हैं। यस यस सर ठीक है, थैंक यू सर। किसी को और कुछ पूछना है? चैट बॉक्स में किसी ने बोला इस, सर इसमें पहले क्वाथ नहीं बनाना है? क्वाथ बनाना है ना? नहीं ये जो है ना ये यहाँ पर ये जो कल पा रहे ना सब शारंगधर संहिता देखेंगे ना तो वहां पे क्वाथ मेथड से भी घृत बताने के लिए बोला है और कल्क मेथड से भी बताया, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पे कल्क मेथड ज्यादा यूज किया है राज्यक्षमा में। ठीक है श्वेता मैम, आपको समझ आ गया होगा इसका। अब एक मिनट, इसका आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 24 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? रासनाधिकृत, बहुत सारे लोगों ने सुनना पसंद आता है ये सब, कोई पढ़िए? हाँ पढ़िए। रासना बला गोक्षुर, रासना बला गोक्षुर का
स्थिरा वर्षाभुवारिणी जीवतो पिपली पिपली गर्भे सक्षीरम शोषद चित घृतम जी रासना बला गोखरु शालपर्णी और पुनर्नवा के क्वाथ में जीवंती और पिपली का कल्क मिलाकर दूध के साथ सिद्ध किया घृत शोषनाशक है जी। तो इसमें देखिए वात शमक भी द्रव्य हैं और ऐसे बल्ले हैं और मतलब जो मांस धातु को बल देते हैं ऐसे है, तो बला है गोक्षुर है क्लेद को निकालते हैं और रसायन है वृष है और गोक्षुर है शालीपर्णी पुनर्नवा पुनर्नवा तो वय स्थापन गण में इसका। अब ये देखिए क्वाथ मेथड से आ रहे हैं क्वाथ में जीवंती लेने जो जीवंती तो इतना अच्छा है जो जीवनीय गण में है और पिपली का कल्क डाला है तो पिपली तो रसायन है ही इसको कल्क बनाकर पहले क्वाथ बनाना है रासना बला गोक्षुर शालीपर्णी और पुनर्नवा का क्वाथ बनाना है उसमें जीवंती और पिपली का कल्क मिलाना है फिर दूध डाल के फिर सिद्ध करके घृत है ये शोषनाशक है ऐसा बता रहे हैं। 24 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़ेंगे एक मिनट मेरे इसमें ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग को दिख रहा है क्या लेकिन ये बड़ा पूरा पेज दिख रहा है सर पूरा पेज श्लोक का नहीं पूरा पेज आ रहा है। इसको बड़ा कैसे करते हैं इसमें कुछ तो हो गया मेरे उसमें कुछ तो गड़ा पर हो गया नहीं पता नहीं कुछ तो हो गया आपके पास मोनिका मैम है क्या इसका 24 नंबर श्लोक कौन सा 24 मैं चेक कर ये कुछ तो हो गया ज़ूम करके पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ ज़ूम का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे इसमें नहीं सर हम अपने मोबाइल में ज़ूम कर आप पढ़िए आप अश्विनी मैम पढ़िए अब चला गया सर वो नहीं दिख रहा है सर मैं करूँ शेयर हाँ करिए पहले मैं आपको ये बना देता हूँ ठीक है मैं आपको को होस्ट हाँ आप शेयर करिए दिख रहा है 24 हाँ और आप पढ़ ही दीजिए ना सर ये साधारण मिष्टुलाम यही वाला है ना सर रासना बला गोक्षुर 24 इसमें तो साधारण मिष्टुलाम ऐसे दिख रहा है अच्छा ऊपर है सर हाँ ठीक है सर मिल गया रासनादि क्वाथे जीवंती पिपली कल्प क्षीर सहित पक्व घृत शोषजित जी इसका मतलब है कि रासनादि क्वाथ लेना है रासना बला गोक्षुर और स्थिरा ये सब लेना है और इसमें क्या करना है जीवन ये पुनर्नवा भी हो गया और जीवंती और पिपली का कल्क लेना है उनका पहले क्वाथ लिया फिर कल्क डाला फिर दूध डाल के उसको पकाना है और ये घृत सिद्ध हो जाएगा तो इसको शोषजित ये शोष में बहुत अच्छा काम करता है आगे पढ़िए आयुर्वेद रासना बलेती से एक अन्यत आह एक अन्य कल्पना बताइए ठीक है अभी एक और श्लोक पढ़ेंगे फिर हम रुकेंगे मैं स्टॉप शेयर कर दूं आप मत मैं ही कर दूंगा मेरे हाथ में सब कंट्रोल है हाँ अश्वगंधादि घृत पढ़ दीजिए एक लाइन ये पढ़ के हम लोग ब्रेक करेंगे कौन पढ़ेगा एक लाइन पढ़ने में तो बहुत मजा आता है वंदना में हाँ ठीक है आप पढ़िए अश्वगंधा छता क्षीरा घृतम च सितापय जी अश्वगंधा से सिद्ध किए दूध से निकाले घी को शर्करा और दूध के साथ पिए यह सोच ना सके हाँ अश्वगंधा जो है मांस धातु को बढ़ाता है अश्वगंधा निलश्लेष्म शुत्र शुत्र शयापहा शय बोला ही है श्लोक में
तो इससे पहले सिद्ध दूध बनाना है, फिर उससे मक्खन बनाना है, फिर मक्खन और ये ज्यादा मात्रा में हमने शीरपाक बनाया, फिर मक्खन निकालने तक ऐसे बनाया, और फिर ऊपर की जो मलाई है उसे मक्खन बनाया, मक्खन से घी बनाया, ये शर्करा और घी दूध के साथ पीने के लिए बोला है, तो ये शोष का नाशक है ऐसा बता रहे हैं। अब मोनिका मैम आप शेयर करिए फिर से। विजिबल हाँ अश्वगंधया आप पढ़ दीजिए। अश्वगंधया शतात क्षीराद उद्भूत घृत शर्करा क्षीर युक्तम पूर्वोक्त गुणम। इसका मतलब ये देखिए तृतीय वचन है अश्वगंधया, तृतीय एक वचन है अश्वगंधा के काढ़े में, फिर काढ़े से फिर उसको दूध बनाना है, शीरपाक बनाना है, उद्धृत घृत उससे फिर घी सिद्ध करना है, और फिर उसको चीनी के साथ या मिश्री के साथ और दूध के साथ इसका सेवन करना है, पूर्वोक्त गुणम उससे पहले जो गुण बताए वो सब प्राप्त हो जाता है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। अन्य राह अश्वगंधा श्रितादिति। हाँ अश्वगंधा श्रितादिति, ये श्लोक का समृद्धि क्या है कि अन्य दाह एक अलग कल्पना बताइए। पयसा वैद्रेण द्रवेण सिद्धम। हाँ इसको ना चीनी डालना है, चीनी डालना है कलकेन पयसा, चीनी और दूध के साथ सेवन करना है, इस तरह से सिद्ध करके फिर प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी हम थोड़ा रुकेंगे क्योंकि कंटिन्यू पढ़ रहे हैं 2 घंटे से। अब कोई कोई स्तुति करना चाहता है, सरोज मिश्रा जी या कोई और, पवन जी, सरोज मिश्रा जी हैं क्या? सर सर हाँ जी सर, आप कोई स्तोत्र पढ़ दीजिए। रुद्राष्टकम पढ़ दूं? हाँ पढ़ दीजिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमोंकारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहं तुषाराद्रिसंकाशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरनमौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादीशकरमचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविंदं भजन्ति हलोके परेवा नराणं न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुखो गता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो
रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नदा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदयति। और किसी को करना है तो करिए कुछ प्रेयर। कोई कुछ करना चाहता है तो करिए प्लीज। नहीं करना चाहते तो पवन जी आप शांति पाठ कर ही दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हरद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। लाल धे लाली लस्ते अरुधरि लाल लंगूर बजर दे दानव दलन जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम सभी वैद्य गणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो सबका दिन मंगलमय हो। भगवान हनुमान की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू पवन सर सरोज सर थैंक यू वैद्य जी थैंक यू ऑल थैंक यू। अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे जब 5 भौतिक चिकित्सा पे चर्चा शुरू हो जाएगी हमारी। थैंक यू प्रणाम प्रणाम सर प्रणाम सभी को।